जय माता दी फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो ये है दिवाली का नेक्स्ट डे। तो थोड़ा सा देर हो गया था क्योंकि मैं रात को 1:30-2 बजे सोई थी और कपड़ा वपड़ा कुछ चेंज नहीं किया, जो पहन के थे बस वही 12-1 बजे तक दिया हुआ जलाए, उसके बाद बस यहीं पे पड़े पड़े सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ, 6 बज गया है, तो देखिए धूप आ गया है पूरा। उसके बाद उठ के जो मैं माता के जो चरण बनाई थी ना, उन सबको अच्छी तरह से पोछ दिया है क्योंकि पैर वेर लगेगा, इसलिए पोछ दी हूँ। और जो रंगोली है वो मैं एक दिन के मतलब दिवाली के नेक्स्ट दिन भी रहने दूंगी, उसके बाद मैं उठाऊंगी। उसके बाद दिवाली के नेक्स्ट दिन ये जो मेरा पूजा किया था ना मैंने, वो सब मैं उठाऊंगी। यहाँ पे जो जो सामान है सबको उठा के फिर रख दूंगी। और जो ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो पोटली होता है 1 साल के लिए, इसमें सब कुछ है जो होता है ना, सिक्का, हल्दी, उसके बाद क्या बोलते हैं वो कौड़ी, और ये सब गोमती चक्रे सब है जो 1 साल के लिए बस बना के पोटली रख देंगे। और ये कलश है, मैंने पीटी पापा को दिया है, बोला कि आप सब फिर मैं पानी छीट दीजिए इसका कलश का, उसके बाद पानी को मैं टब में डाल दूँगी और यहाँ पे सब सामान उठा लूँगी। देखिए पीटी पापा सब जगह डाल दे रहे हैं और यहाँ पे पोटली बन गया। देखिए दिवाली पोटली, तो इसे मैं रख दूँगी 1 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, सब सामान को मैं जगह पर रख दी, पैसा वैसा जो था सब रख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। तो ये झींगा था, झिंगुनी, तो उसका सब्जी बना दे रही हूँ और रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे मैं चाय भी बिठाई हूँ, तो रोटी अभी बना दूँगी और पीटी पापा को नाश्ता दूँगी। सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से रोटी। तो रोटी बना लिया मैंने, गर्मा गर्म रोटी बन गया है और इसमें लगा दूँगी घी। और 3 ही रोटी बनाया मैं क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी, मुझे सुबह सुबह रोटी ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर थोड़ा देर से खाऊँगी। तो यहाँ पे रोटी ले ली हूँ और जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी ले ली हूँ और दे देती हूँ पीटी पप्पा को नाश्ता। उसके बाद मैं चाय छान लूँगी, तो चाय पीऊँगी मैं, और कुछ है भुजिया है तो चाय और भुजिया थोड़ा सा खा लूँगी और उसके बाद में रोटी खाऊँगी। तो यहाँ पे दे दी हूँ, देखिए पीटी पापा खा रहे हैं। तो उसके बाद खाना खा लिए, उसके बाद मैं सीधा दोपहर में ये खाना बना रही हूँ। और ये दोपहर का खाना मैं आज मैं बनाने वाली हूँ, फूल गोभी आलू की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे बैठ के फूल गोभी आलू काट रही हूँ और यहाँ पे चाय भी लेके बैठी हूँ, तो चाय भी पीऊँगी और यहाँ पे मैं बातें भी कर रही थी। तो चलिए मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ और खाना बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी बनाई थी धनिया का पत्ते का, तो इसमें नींबू निचोड़ दूँगी और बहुत टेस्टी लगता है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया का ये चटनी है, उसमें नींबू डाल देंगे ढेर सारा, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अभी तो सर्दी के दिन में रोज़ ही चटनी चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए आलू गोभी को। तो फ्रेंड्स, ये दिवाली का दूसरा दिन, देखिए सब दिया जल गया चारों तरफ, आज भी जलाते हैं। और ये सीवा को दी हूँ, दिया जला रहा है। अरे पीटी, हेलो फ्रेंड्स। अभी प्रीति क्या करेगी? ये पटाखे फोड़ेगी, ये सब रेडी करके रखे हैं, है ना? ये दिया जल गया, देखिए बैठी हूँ यहाँ पे, देखिए लाइट जल रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। और भी जलाना है तो जा रही है जलाने।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे शिवा स्वास्तिक बनाया था, वो स्वास्तिक में सजा दिया है दिया को। उसके बाद मैं यहाँ पे दिया जला दूँगी। और शिवा को ये सब में बहुत इंटरेस्ट है, रंगोली बना, लाइट लगा, ये सब बहुत अच्छा लगता है उसको। तो बहुत अच्छा से वो स्वास्तिक बना दिया था। तो यहाँ पे प्रीति भी मेरी हेल्प कर रही है, वो भी दिया जला रही है। तो दोनों माँ बेटी मिल के दिया जला रहे थे। तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा है स्वास्तिक। तो यहाँ तुलसी जी के पास बनाया है, तो यहाँ पे जो जला दिए हैं ना, एक तो सीनी में रख देना और एक ले लो, और एक गेट खाली कर दीजिए। पीजी पापा सोए थे, अभी उठ के आया है। देखिए चिल्ला चिल्ला तो उठाई स्वास्तिक बनाया है शिवा ने, बहुत सुंदर दिख रहा है। गेट को उठा दो, बंद कर दो, तब देना, ऊपर डाल दो। हाँ ऊपर में ही रख दो। शिवा ए ताते ऊपर दे दीजिए खुटा रो, प्लास्टिक दो, प्लास्टिक नहीं करना, क्या प्लास्टिक दो। अभी लाइए, आपका फुलझड़ी का है, मेरे हाथ का है, जलाओ। देखिएगा वायर को बच्चा, इसमें आग निकलता है ना, टॉर्च लाइट, और इसमें आग निकलता है। अभी लगता है वहां पे काटा छुरछुरी पर, हाँ सब लोग छुरछुरी जला हो जाए, छुरछुरी छुरछुरी जा रास्ता में फटाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई थी बाजार दिया हुआ जलाने के बाद। और ये देखिए यहाँ पे माँ काली का मूर्ति लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए। यहाँ पे दिवाली के रात में काली पूजा भी होता है, तो बहुत बड़ा सा मूर्ति था, तो वही लेके जा रहे थे। सब लोग नाच रहे थे, तो गाना तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से सब लोग नाच वाच रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो माता का दर्शन कर लीजिए आप सब भी, और अच्छा लगा, दर्शन हो गया माँ काली का। मिल जाएगी वो सिवा का हाँ मिल जाएगी, टोपी भी वाला देख लेंगे। पसंद है ये तो नहीं टना क्या रे तू, और